हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना पीपीएससी 104 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अनपेवाइड क्लोज। जितना भी टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, ये दो वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, जहाँ पे मैं पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराऊंगी। तो सिंपल सी बात है, आपको ये दो टॉपिक दो वीडियोज फॉलो करने का है और अपना पेपर मस्त दे के आने का है, ठीक है। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा, मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताती हुई चलूंगी और आपको वो टिक करते हुए चलना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बस बता के काम खत्म कर दूंगी, नहीं भाई, आपको समझाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो मैं साथ के साथ समझाऊंगी भी, ठीक है। अब समझाने का जो तरीका होगा थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक आपको डिटेल में कराया हुआ है। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट फर्स्ट से, पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। अगर आप इस चैप्टर को खोलोगे तो यहाँ पे आपके जो टॉपिक है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट, एक तो इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड पार्टी सिस्टम का इंडिया के अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है इवोल्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी से क्या रिलेशनशिप है, तो सिंपल सी बात है, तुमको डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। अगर इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम एवोल्यूशन ही लिख कर आओगे, ठीक है। तो इसमें आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है कि मीनिंग तो आप लिख ही लो। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएससी कर रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा, तीनों टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाए इस तरीके से, तो हम तीनों के तीनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक से आपको क्या खींचना है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पार्टी सिस्टम, सिंपल डेफिनेशन लिख के आ जो इतना खींचने का है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लोग होता है उनका, जहाँ पे लोग होता है यार नहीं यहाँ से हाँ पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिन पे कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोवर्स होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम होता है। सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब लोगों का एक समूह होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने कुछ कॉमन आइडियाज को शेयर करते हैं। भाई कैसे आइडियाज, कि अपनी कंट्री को कैसे रन कराना है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी अब अलग अलग तरीके की होती है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट करती है, एक आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी पार्टी है, ठीक है। अब ये अलग कैसे, क्योंकि इनके जो लीडर्स है वो अलग है, इनकी पॉलिसीज अलग है, इनका प्रोग्राम अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनका करने का काम का तरीका अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, सभी के सभी अलग हो जाते हैं। मेन प्रिंसिपल हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि अपने आप को कैप्चर करना है पावर। भाई कौन सी ऐसी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो ये नहीं चाहती कि हम इलेक्शन में ना जीते। सभी का यही है ना कि पावर कैप्चर करने का, इलेक्शन में जीतने का। तो सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है कि अपने को पॉपुलर सपोर्ट चाहिए इलेक्शन में जीतने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है। सिंपल से तुमको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे हमारे लीडर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट लिंक बना के रखती है एक इंडिविजुअल स्टेट में। सिंपल सी बात है यार, आज तुमको तुम्हारी कोई डिमांड है, तो तुम्हारी डिमांड तुम थोड़ी नहीं जाके पीएम से जाके बात करोगे, तुम्हारे जो डिमांड है वो पॉलिटिकल पार्टी लेके जाएगी सरकार तक, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, वो भी डायरेक्टली, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कनेक्शन बना के रखती है लोगों में और किस में, सरकार के बीच में। तो ये क्या करती है, एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो जितना मैंने बताया वो अपनी बातें, ये सारी बातें अपने दिमाग में भर लो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है भाई, कुछ भी, तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन तुमको लिख के ही आनी है, ठीक है। देन इसके बाद आप पार्टी सिस्टम पे चलोगे, पार्टी सिस्टम ये रिलेट है आपके कितनी नंबर ऑफ पार्टी आपकी कंट्री में है। भाई देखो, अगर आप चाइना में जाओगे, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगर आप यूएसए की तरफ जाओगे वहां पे 2 पार्टी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज है, जैसे क्या दिखाती है कि कितनी सारी पार्टीज कौन सी कंट्री में है, तो वहां पे 1 पार्टी है तो उसको बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम, जहां पे 2 पार्टी उसको 2 पार्टी सिस्टम, और जहां पे 3 पार्टी 3 या 3 से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वहां पे नंबर्स ऑफ पार्टी कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पार्टी सिस्टम, समझ में आया। ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टीज आपके वहां पे एग्जिस्ट करती है और इलेक्शन में खड़ी होती है। तो ये हुआ आपका पार्टी सिस्टम, बस इतना लिख देना है आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। इतना करने का और काम खत्म करने का, क्योंकि आपको बेसिक डेफिनेशन यहाँ से उठानी है पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। अभी खुद को बताओ कि पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम क्या होता है। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम का। भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आई है इंडिया के अंदर, क्या जब से राजा महाराजा थे कोई पार्टीज थी? नहीं भाई, जब से हमारा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब से हमने डिमांड करी कि हमको आजादी चाहिए, कि से ब्रिटिश है, ठीक है, ये जो कॉलोनाइज हमको बना के रखा है, अब हमको आजादी चाहिए, अपनी खुद की सरकार बनानी है, भाई हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, ठीक है, हम कॉलोनाइज नहीं होना चाहते। तो उस टाइम पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी उभरती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उभरती है,
ठीक है, तो उसी टाइम पे हमारी क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उभर के आती है। और इसका मतलब कोई ऐसा मोटिव नहीं था इंडिपेंडेंस से पहले कि इलेक्शन में जीतने का है या फिर अपनी सरकार बनाने का, नहीं, इसका एक मोटिव था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का। लेकिन जब से हमको आजादी मिला है, जब से कांग्रेस का एक वो हो चुका है मोटिव कि अपने को इलेक्शन में जीतने का, ना कि कोई मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व होने का, सिंपल सरकार बनाने का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ से आई है, और इलेक्शन के मतलब जब से हमने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करे थे तभी से पॉलिटिकल पार्टी राइज होने स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इतना लिख देने का। अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम का, इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, तो इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम देखें, जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो हमने देखा है कि भाई देखो पहले कुछ सेकेंड टू डिकेट्स में, मतलब कुछ 20 साल में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमको एक ही पार्टी का डोमिनेशन दिखा है, कौन सा, कांग्रेस पार्टी का। तो उसको एक सिंपली हम बोले कि एक ही पार्टी रूल कर रही है, एक ही पार्टी अपनी सरकार बना रही है सेंटर के अंदर और बहुत सारी स्टेट के अंदर, तो उसको क्या बोलता है कि ये तो कांग्रेस की पार्टी है। इसको रजनी कोठारी ने क्या बोला है, कांग्रेस एरा एंड कांग्रेस सिस्टम बोला है। तो सिंपल से याद रखना है कि रजनी कोठारी ने क्या बोला था, जब हमारी कांग्रेस पार्टी 20 साल तक एक ही पार्टी क्या कर रही थी, जनरल इलेक्शन के अंदर जीत रही थी, तो उसको क्या बोला है, कांग्रेस एरा एंड कांग्रेस सिस्टम बोला है, किसने, रजनी कोठारी ने। यहां पे कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पा रही थी, जिसको एब्सोल्यूट सीट मिल रही थी किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। जितने भी चार जनरल इलेक्शन हुए थे पहले पहले जब आजाद हुआ था ना भारत, उसके बाद 1967 तक जो कांग्रेस पार्टी थी वही जीते जा रही थी। लेकिन 1977 में कौन टक्कर देती है, जनता पार्टी, पहली बार एक नई सरकार बनती है किसकी, जनता पार्टी की, जहां पे वन पार्टी जो डोमिनेशन था किसका, कांग्रेस का, वो टूट जाता है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा टू पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम के अंदर आपको कौन सा लिखना है, पहले चार जनरल इलेक्शन जहां पे कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी उसी का बोला बाला था, ठीक है। बस एक केरला के अंदर सीपीआई पार्टी थी जो कि हमारी नॉन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है, ठीक है, इतना याद रखने का। देन के बाद आप बाइपोलर टू पार्टी सिस्टम पे चलोगे तो मतलब ऐसा कुछ इंडिया के अंदर कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि टू पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी इलेक्शन के अंदर खड़ी होगी, नहीं। यहां से दिखाता है इंडिया के अंदर कि टू पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं सभी जो पार्टीज है वो अपना एक दो ग्रुप बना लेते, क्या कर लेते, दो ग्रुप बना लेते, एक रूलिंग की साइड होता है, एक अपोजिशन की साइड होता है। तो ये क्या करती है, कॉलिशन मतलब गठबंधन की सरकार बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, गठबंधन सरकार बनती है, कुछ अडॉप्ट करते हैं कुछ कॉमन प्रोग्राम की, देखो भाई ये प्रोग्राम इन सभी के ऊपर हम काम करेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, ठीक है। जैसे किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपना क्या कर लेते हैं, बताओ मुझे जल्दी से, कॉलिशन के थ्रू सरकार बना लेते हैं। अब ये जो कॉलिशन की सरकार है, स्टेट और सेंटर हमको दोनों उसमें दिखती है, ठीक है। अब यहीं से कब से एमर्जेंस हुआ है इंडिया के अंदर बाइपोलर, तो बाइपोलर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जांपल देखें तो जब से हमारा ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, एसवीडी फॉर्म है, ठीक है, जहां पे स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सारी पार्टी मिलकर अपना एक ग्रुप बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी पार्टी थी, जैसे भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, ये क्या करती है, ये अपना खुद का एक ग्रुप बनाती है, एक अलायंस बनाती है, किसको टक्कर देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, ठीक है, कब, 1967 में। तो ये क्या दिखाता है, टू पार्टी की, भाई देखो बहुत सारी पार्टी ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, एक पार्टी बन गई और एक साइड में हमारी कांग्रेस आ गई, तो ये टू पार्टी सिस्टम दर्शाता है, जहां पे कांग्रेस फिर जो भी हमारी जीत जाती है 1977 के अंदर जनता पार्टी, तो वहां पे कांग्रेस हमारी अपोजिशन पार्टी बन जाती है। तो कहीं क्या क्या दिखाता है, ये शो करता है टू पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर, बाइपोलर सिस्टम। अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इंडिया के अंदर कंपल्सरी नहीं है, बात आपको लिख के आनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी पार्टी मतलब जब से गठबंधन स्टार्ट हुआ है बहुत सारी रीजनल पार्टी राइज हुई है, लोगों ने अलायंस बनाना स्टार्ट करा है, अलायंस के बारे में आप लिख देना थोड़ा, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम भाई, जब से हमारी रीजनल पार्टी राइज हुई है कितनी मल्टीपल पार्टीज, अब जब हमारी बहुत सारी पार्टीज आती है तो हमारे ग्राउंड लेवल के इश्यूज को लेकर आती है, बहुत सारे रीजनल लीडर उभर के आते हैं डिफरेंट स्टेट से, जो कुछ लीडर का नाम ले रखा है, जैसे चरण सिंह यूपी से, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा से, बीजू पाटिक उड़ीसा से, बाल ठाकरे कहाँ से, महाराष्ट्र से, तो ये कब आए थे हमारे 1960s और 1970s में राइज होते, तो यहाँ पे जब बहुत सारी पार्टी उभरने लगी तो उस टाइम पे बहुत सारे लीडर भी आ रहे थे, ठीक है। 1980s में बहुत सारी मल्टीपल पार्टी हमको प्रेजेंट दिखती है किसके अंदर, अपने इंडिया के अंदर मल्टीपल पार्टी हमको एग्जिस्ट दिखती है नेशनल और लोकल लेवल पे, ठीक है, जो क्या दिखाती है, इंडिया की डाइवर्सिटी को शो करती है कि सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चर एंड पॉलिटिकली इंडिया कितना डाइवर्सिफाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम डिनोट किया जाता है, सिंपल आया समझ में।
अगर पार्टी सिस्टम का पूछा जाता है तो पार्टी सिस्टम भाई क्या होगा? पार्टी सिस्टम भाई हमारा 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड 3 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि कांग्रेस का डोमिनेशन, 2 पार्टी सिस्टम के अंदर कांग्रेस को हराने के लिए जो एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, एंड 3 पार्टी सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टी उभरने लगती है, ठीक है, तो उसको आप 3 पार्टी सिस्टम बोलोगे। बस इतना याद रखनी है। देन इसके बाद आपका स्टार्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी भाई, पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा लिंक होती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो लोगों की सरकार होती है, तो लोगों की तरह के लिंक बनाने का काम कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। मतलब एक डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टिसिपेट करती है? पॉलिटिकल पार्टी। लोगों की डिमांड कौन लेके जाती है? पॉलिटिकल पार्टी। कोई मूवमेंट को ऊपर तक लेके जाना कौन करेगी? पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं एक क्या करती है, लोगों की बातों को, डिमांड को किस तक पहुंचाती है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सरकार के, ठीक है, कौन? पॉलिटिकल पार्टी। तो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अपने डिमांड किसको बता रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल डिवाइस है किसके, लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए इन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पॉलिटिकल पार्टी का इतना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जाके गवर्नमेंट में अपनी डिमांड रखे या फिर हर कोई जाके सरकार से बोले कि मेरी ये डिमांड है, मेरी डिमांड है, हर कोई तो डिसीजन मेकिंग नहीं बना सकता। लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिमांड, मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लोगों के बिहाफ पे मतलब डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करके पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो कुछ हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, कुछ हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं लाइक का हमारे जो मतलब किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्या नहीं होते, किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें ना, डेमोक्रेसी तो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक वॉचडॉग की तरह वो निगरानी रखती है कि भाई देखो सरकार क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही, लोगों की राइट्स को तो ध्यान में रख रही है, कुछ अलग से खराब लॉ वगैरह तो नहीं लेके आ रही, मतलब एक वॉचडॉग का कौन काम करती है? अपोजिशन पार्टी, जो कि हमारे गवर्नमेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम स्ट्रेंथ करता है किसको? डेमोक्रेसी को, इंडिया की, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, ये सारी चीज आपको डाल देंगे। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है, आई होप तुमको समझ पाया होगा। तो क्या करने का भाई, सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया के अंदर 1 पार्टी सिस्टम कांग्रेस है रहा, 2 पार्टी सिस्टम भाई कांग्रेस के जो अगेंस्ट वो बन गया था ग्रुप, ठीक है। 3 पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी रीजनल पार्टी राइज होती है, इतना याद रखोगे काफी है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे चलोगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर जो कि है आपका कौन सा, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक अपना टिक कर लेना है, एक तो टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड देन नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज तो आपको पढ़ के ही जानी है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे INC, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो इनके बारे में पढ़ के जाने का है, और कितने टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है ये सब कर लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, तो 2 टॉपिक आप टिक कर लो अपने कौन से यूनिट सेकंड में से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हां जी, 2 पार्टी 2 पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करता है, वो कैटेगराइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को 3 काइंड्स में, ठीक है। एक तो होती है नेशनल पार्टी, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, रीजनल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज पार्टी जिनको बोलते हैं, लोकल पार्टीज होती है, ठीक है। तो 3 पार्टीज हमारी, 3 तरह की पार्टीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लासिफिकेशन किसने करा है? इलेक्शन कमीशन, नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज, ठीक है, सिंपल सा बस इतना याद रखना। अगर नेशनल पार्टीज की बात करते हैं तो नेशनल पार्टीज के लिए कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है जो चाहिए होती है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया जो उनको पार करना पड़ता है, देन उसके बाद वो नेशनल पार्टी बनता है। तो इलेक्शन कमीशन कुछ भाई इनके लिए क्वालिफिकेशन बताई हुई है, जैसे कि उनका लोकसभा में 2% सीट होना चाहिए एटलीस्ट 3 स्टेट के अंदर, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2% सीट उनका लोकसभा में होना चाहिए डिफरेंट स्टेट से। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें, जो पार्टी है कम से कम वो 6% वोट विन करे किसके अंदर, एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट के अंदर, और वो एक स्टेट लेवल पे एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एक स्टेट पार्टी, एक या मतलब 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर, एक के अंदर नहीं, 4 या 4 से ज्यादा। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है, एक तो 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, 6% उसका वोट होना चाहिए लोकसभा के अंदर, और स्टेट लेवल पे वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो भाई 2 मिनट के लिए लोग बैठने नहीं देते शांत, ठीक है। तो कितनी पार्टी है अभी, कितनी नेशनल पार्टी है भाई, यही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यही किया जा रहा है।
तो भाई 7 नेशनल पार्टीज है, कौन कौन सी? एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीआईएम एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये हमारी कौन कौन सी, ये सारी पार्टीज है, तो इनका आप याद रखने का, ठीक है, तो इनका ये नाम याद रखने का, कितनी पार्टीज है, तो 7 पार्टी का नाम याद रखना, INC, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई पार्टी एंड सीपीआईएम पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये ऑल तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये 7 पार्टी का नाम याद रखना है, 7 पार्टी के बारे में पढ़ भी लेना है। तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब हुई थी? जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हम उस टाइम पे कर रहे थे, अपने लिए लड़ाई कर रहे थे किसकी, आजादी की, तो उसी टाइम पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उभरती है। ठीक है, एज अ मूवमेंट की तरह उभरती है, लेकिन बाद में एक पार्टी बन जाती है किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसने काफी वेलफेयर पॉलिसीज ये लेकर आई है, काफी ज्यादा इसने सोशल चेंज करा है, रिजर्वेशन एसटीज को लेकर, कम्युनिस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लेकर आना। कांग्रेस काफी पॉपुलरिटी पाई थी 1960 से, लेकिन बाद में जब 1967 का इलेक्शन हुआ था तो इस स्टेट के अंदर ये अपनी मेजोरिटी नहीं पाती है। ठीक है, 1969 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस और हमारी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और कांग्रेस ओ जो हमारी कामराज, मतलब जो पहला था ना, पहले वाले जो लीडर्स थे उनकी थी, ओल्ड पार्टी थी, और जो नई थी वो हमारी रिक्विजिशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशन, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कांग्रेस और कांग्रेस आर। तो इंदिरा गांधी हमारी काफी फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ती है, दोबारा से अपना रीगेन करती है अपनी पॉपुलरिटी को 1971 के अंदर, जहां पे वो अच्छी सीटें पा लेती है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, फिर दोबारा से इसको चैलेंज फेस करना है कब, 1970s में, जहां पे जनता पार्टी सरकार बना लेती है। तो ये 1980 में फिर अपना एक पॉलिटिकल, मतलब फिर से अपना जितना भी जो पॉलिटिकली फोर स्ट्रॉन्ग कर लेती है 80s के टाइम पे, जहां पे बहुत ज्यादा सीट मिल गई किसको, कांग्रेस को। देन उसके बाद वो एक अलायंस की तरह आज के टाइम में क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है। तो हमारे तब को याद रखने का। ठीक है, आगे चलोगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपका पहले था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ इस्टेब्लिश होता है 1951 के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि इसको एस्टेब्लिश करा था किसने, सौम्या प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, मेनली इनको सपोर्ट मिलता है हिंदी स्पीकिंग रीजन से इंडिया के, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहीं से इनको सपोर्ट मिलता है। अब होता क्या, 1977 के बाद भारतीय जनता पार्टी बन जाती है सरकार, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी टूट जाती है, सॉरी जनता पार्टी टूट जाती है, डिसइंडिकेट हो, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी देखा था ना, 1977 में जनता पार्टी बनती है, तो जनता पार्टी जब टूट जाती है उसके बाद उसी में से हमारी भारतीय जनता पार्टी निकलती है। जनता पार्टी के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलग से निकलती है, पहले वो भारतीय जनसंघ थी जब वो जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन जब टूट जाती है ना जनता पार्टी, तो उसमें से हमारी एक नई पार्टी निकलती है भारतीय जनता पार्टी। थी वो जनसंघ, लेकिन नया नाम रखती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है हिंदी स्पीकिंग, ये हिंदी इनका लिए हार्टलैंड है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने का है। देन इसके बाद इनको पहला जो मतलब जो इलेक्शन हुआ था हमारा कौन सा, 1984 का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी लोकसभा के अंदर, लेकिन 2019 के अंदर 303 सीट मिली है। सोचने वाली बात है, इतना ज्यादा इन्होंने ग्रोथ किया अपने पॉपुलरिटी के अंदर। ठीक है, और कहा इनको ज्यादा जो पॉपुलर सपोर्ट मिला है वो कहाँ से मिला, राम टेम्पल बनाने से अयोध्या में, और अबॉलिश करने से आर्टिकल 370 को, और ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने से। तो यहाँ से क्या मिला इनको, मिला इनके अलायंस कौन से, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलोगे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो सिंबलाइज करती है सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो यूपी के अंदर हमारी मायावती की जो सरकार है वो 5 बार आ चुकी है, जहां पे दलित, ट्राइबल, सोसाइटी, ओबीसी, इनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और इसको बीएसपी को फॉर्म किसने किया था, इसको किया था दलित लीडर थे हमारे कंसीराम। ठीक है, तो कंसीराम ने इसको फॉर्म करा था, जहाँ पे मोबिलाइज करते हैं इसको, मार्जिनलाइज ग्रुप को उनकी डिमांड की बात करते हैं। इनका एक बड़ा स्लोगन है कि मत हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब वोट हम दे रहे हैं और भाई राज तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बीएसपी काफी ज्यादा ग्रोथ पाती है 1966 के टाइम पर, मायावती काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यूपी के अंदर, और काफी ज्यादा इन्होंने सेपरेट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे किसके लिए, वेलफेयर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। तो इतना आपको मायावती की सरकार के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सीपीआई, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। तो सीपीआई हमारी कब फाउंड होती है, 1925 के अंदर। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंस्पायर थी मार्क्सिस्ट के आइडिया से, किस पे इंस्पायर थी, मार्क्सिस्ट के आइडिया से। ठीक है, और जीतती भी है ये केरला के अंदर, पहली बार जो अपोजिशन पार्टी थी ना कांग्रेस के अगेंस्ट, वो यही थी सीपीआई पार्टी।
तो ये डिमांड करती है जैसे इक्वालिटी हो गई वुमेन को लेकर, प्राइवेट ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या उनको नेशनलाइज, मतलब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही, रेंट रिफॉर्म लेकर है, सोशल जस्टिस, लोअर कास्ट को, इन सभी की राइट टू प्रोसेस, इन सबकी डिमांड करती है। 1957 में सीपीआई पहले ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है जो इलेक्शन में जीत के कहाँ पे केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है, मतलब पहली नॉन अपोजिशन पार्टी थी, नॉन कांग्रेस, कौन हमारी केरला, ठीक है। ये काफी ज्यादा प्रभावित है सोशल सोवियत यूनियन की उससे और चाइना के वहां से, ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन होता क्या है, जो सीपीआई है पार्टी टूट जाती है, सीपीआई एंड सीपीआई बन जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा वॉर होता है 1962 में चाइना से, ठीक है, जहां पे कुछ चाइना के आइडियोलॉजी को, मतलब चाइना को फेवर कर रहे थे कौन, सीपीआई वाले, तो वो अलग हो जाते हैं किससे, सीपीआई से, जो चाइना को फॉलो कर रहे थे वो अलग हो गए, और जो मार्क्सिस्ट के आइडियाज को फॉलो कर रहे थे वो हमारी अलग से एक पार्टी बना लेते सीपीआई एम वाली, कि हम भाई मार्क्सिस्ट को फेवर कर रहे हैं ना कि चाइना को, ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेशन हमारा इंडो चाइना के टाइम पे हो जाता है। इनको लार्जेस्ट सपोर्ट मिलता है बंगाल, केरला, त्रिपुरा से मिलता है, लेकिन आज हम देखें तो केरला से मिलता है, क्योंकि बंगाल और त्रिपुरा में कौन आ गया, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपना गेन करने लगी है, ठीक है, और त्रिपुरा के अंदर बीजेपी पार्टी गेन करने लगी है। आगे तुम ये एक बार देख लेना, वैसे तो यही इंपॉर्टेंट थी जो अभी पढ़ाई थी मैंने, बीएसपी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, और एक और जो पढ़ाई थी यार देख लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे हम स्टेट पार्टी की बात करते हैं। स्टेट पार्टी मतलब स्टेट लेवल पे जो पार्टीज होती है, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या बताया कि देखो 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 5 साल तक तो एक्टिव होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, ठीक है, एक्टिव होनी चाहिए, एंगेज होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, कम से कम 4% सीट होनी चाहिए इसकी, जनरल इलेक्शन जो होते हैं ना स्टेट लेवल पे, स्टेट इलेक्शन जो होते हैं कम से कम इसके 3 सीट तो वहां पे होनी चाहिए, ठीक है, 4% सीट होनी चाहिए, सपोर्ट जो होना चाहिए इसका 6% होना चाहिए वोट का, ठीक है, तो ये बोलते हैं। देन इसके बाद हम देखें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो स्टेट लेवल पे देखें 36 हमारी रिकॉग्नाइज पार्टी है जो स्टेट पार्टीज है, ठीक है, अगर उनको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर रहा है कैसे इलेक्शन कमीशनर है, आप एक एक का नाम याद नहीं रखना है, एक एक का नाम आपको नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। तो स्टेट पार्टी के बारे में देखते हैं, तो स्टेट पार्टी के वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, वैसे आम आदमी पार्टी का आप याद रख लेना कि आम आदमी पार्टी आपकी कौन सी है, ये फॉर्मेशन है किसका, आम आदमी पार्टी का, जो कि हमारा एंटी करप्शन के अगेंस्ट था, कि एंटी करप्शन मूवमेंट जो होता है अन्ना हजारे का 2011 के अंदर, तो यही से हमारी आम आदमी पार्टी उभर के आती है। इसको कौन लीड करता है, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, और ये काफी एंटी करप्शन जब फेस करे तो उस टाइम पर हमारी पार्टी फॉर्म हुई थी, और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा अलग है और स्टेट पार्टी से, क्योंकि दो रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इनका कोई आइडियोलॉजी, दूसरा कोई सोशल कल्चर या एथनिक मूवमेंट से रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब ये इनका कोई कल्चरली या किसी को सपोर्ट करना, कोई कास्ट रिलीजियस को लेकर, या फिर इनका कोई मतलब आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो हमारी दिल्ली के अंदर 2 बार बन चुकी है, अपनी सरकार बना चुके हैं कौन, केजरीवाल जी, एक तो December 2013 के अंदर, फरवरी के अंदर, रिसेंट का भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, तो ये सब कुछ आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ से बस यही करना है स्टेट पार्टी से, और अनरिकॉग्नाइज पार्टी, ये अनरजिस्टर्ड पार्टीज को आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, बस इतना याद रखना है कौन होती है, सिंपल बस इतना ही, ठीक है। तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके जाने का, जो पढ़ाया है एक बार खुद से पढ़ने का। आगे आप चलोगे थर्ड चैप्टर के पर, तो थर्ड चैप्टर है आपका पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कितनी पार्टी सिस्टम है भाई, सॉरी पार्टी सिस्टम, हाँ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो पार्टी सिस्टम आपको बताना है, तो 3 पार्टी सिस्टम होता है, तो तीनों के तीनों पार्टी सिस्टम आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, तो इसमें से आपको 2 टॉपिक टिक करना है, एक तो टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कितना डिफरेंट फेजेस हमको इंडिया के अंदर दिखा है पार्टी सिस्टम का, ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आप टिक कर लो, एक तो टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ पार्टी सिस्टम, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा यार, इतना टाइम नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं बनने का वीडियो, 1 घंटे से नीचे नीचे के रहने का चाहिए, तो जल्दी हो जाएगा स्टार्ट। हाँ, पार्टी सिस्टम की बात करें तो 3 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, एक 1 पार्टी सिस्टम एंड 2 पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन आता है 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी से, तो आपको लिख देने का क्या, 1 पार्टी सिस्टम में लिख देना है चाइना का पार्टी सिस्टम, क्या लिखना है, चाइना का पार्टी सिस्टम, चाइना का पार्टी सिस्टम लिख देने का, चाइना जहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे इलेक्शन के अंदर एक ही पार्टी स्टार्ट होती है, लोगों के पास चॉइस नहीं होती, मैं बोलती हूँ भाई इलेक्शन है चाइना के अंदर, और इस इलेक्शन के अंदर तुमको कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करना है, तुमको कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करना है, तुमको कम्युनिस्ट, तुमने बोले यार एक ही नाम को बार बार लेके जाए, मतलब तुम्हारे पास जो ऑप्शन है ना वो सेम है,
ठीक है, सारे ऑप्शन सेम है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, जो इलेक्शन होते हैं लोगों के पास चॉइसेस सेम होती है, कांग्रेस पार्टी को वोट करना है, तो यहाँ पे वन पार्टी इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। तो अपोजिशन मतलब क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे। जो लोगों के पास चॉइस होती है बड़ी लिमिटेड होती है कि भाई देखो तुमको इसी पार्टी को वोट करना है। लोगों की राइट्स होती है बड़ी कर्टेल होती है, मतलब एक तरीके से एक ही पार्टी का मोनोलोपी होता है। कहीं ना कहीं जो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, एक्सप्रेशन, अपनी बात को ईजिली एक्सप्रेस करना है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, वो नहीं होता, ना कोई अपोजिशन पार्टी होती। और लोग भी अगर कभी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते तो इजीली उनको गवर्नमेंट क्या करती है, सप्रेस करती है। एग्जांपल में वन पार्टी सिस्टम लिख सकते हो किसका, चाइना का, ठीक है। आगे चलोगे टू पार्टी सिस्टम, यहाँ पे इलेक्शन में दो पार्टी खड़ी होती है। टू पार्टी सिस्टम के अंदर दो पार्टी खड़ी होती है, आप यूके और किसका लिखने का, यूएसए का लिखने का। यूएसए में दो पार्टी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। यूके के अंदर दो पार्टी कौन सी, लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी, जिनका इन्हीं का चांसेस होता है इलेक्शन में जीतने का, ठीक है। दो पार्टी होती है, एक रूल बनती, एक रूलिंग पार्टी बनती है, एक अपोजिशन पार्टी बनती है। दोनों का रूल समझ में आ गया, एक रूलिंग पार्टी बनेगी, अपोजिशन पार्टी बनेगी, और डिपेंड करता है किसको ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं मल्टी पार्टी के सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में आपने को इंडिया का लिख के आना है। तो इंडिया जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। हमें सरकार किसके थ्रू बनती है, गठबंधन के थ्रू, प्रमोट करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट को। बहुत सारी पार्टी है, किसको ज्यादा मेजोरिटी, भाई किसको ना मिले, कोई मेजोरिटी ना क्रॉस कराए, तो लोग क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन के थ्रू अपनी सरकार बना ले। ड्रॉबैक ये है कि अगर तुम गठबंधन कर रहे हो, अलग अलग पार्टी को लेकर है, तुम्हारी आइडियोलॉजी तो अलग है ना सबकी, तो मतलब कहीं ना स्टेबिलिटी बनने में बड़ी दिक्कत होती है कि सरकार स्टेबल रहे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और डिफरेंट फेजेस पूछा हुआ है, तो डिफरेंट फेजेस के अंदर आपको पार्टी सिस्टम के अंदर वही लिख देना है कांग्रेस का, नहीं कि कांग्रेस का जो एरा चला था 20 साल तक, जो चार इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती है, ठीक है। तो 1967 में पहली बार, वो आज 1969 जो भी कुछ था वो देख लेना, वहां पे थोड़ा सा उसको फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा चैलेंज एक स्टेट के अंदर, लेकिन सेंटर पे कौन बनती है, हमारी कांग्रेस पार्टी बनती है। 1977 में जनता पार्टी का रोल लिख देना, जहाँ पे जो ये कांग्रेस पार्टी का वन डोमिनेशन था ना, वन पार्टी सिस्टम, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, चैलेंज कर लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वही काम ही लिख देना जो अभी तक मैं आपको बताती हुई हूँ। फिर उसके बाद आपको कॉलिशन बताना है कि कैसे जो रीजनल पार्टी है वो उभरती है, और वहीं से हमारा गठबंधन स्टार्ट होता है, और गठबंधन अब तक चला हुआ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें लिख सकते हो, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे आप बात करेंगे फोर्थ चैप्टर का। तो फोर यूनिट क्या है, फोर यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक लगाने हैं भाई। इसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्राइब, तीनों ही याद कर लेना, कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्राइब, तीनों याद करना है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर आता है तो इस पे लिखना। अब डिटरमिनेंट्स आया तो आपको ये पता होना चाहिए वोटिंग बिहेवियर क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, यार तुमसे पूछ रहा है कोई कि डिटरमिनेंट्स बताओ, तो वोटिंग बिहेवियर क्या होता है ये बताओ ना पहले, तभी तो आप उसके डिटरमिनेंट्स पूछोगे। तो वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर मतलब सिंपल सा फैक्टर जानना है कि क्यों लोग वोट कर रहे हैं। अगर मैं किसी को वोट कर रही हूँ, किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रही हूँ, किसी कैंडिडेट को, मैं क्यों कर रही हूँ, कौन से फैक्टर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो मैं इस कैंडिडेट को चूज कर रही हूँ, तो वो होता है वोटिंग बिहेवियर, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो मैं वोट कर रही हूँ उसके पीछे, उसको बोलते हैं हम वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर जो होता है मतलब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, वोटिंग स्टैटिक्स, रिकॉर्ड, डाटा, इन सबको इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर साइकोलॉजिकल असेप्ट, वोटिंग परस्पेक्टिव, इमोशन, हर चीज इंक्लूड होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब कौन करता है, कैसे करता है, ये रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ है, ये सब ध्यान में नहीं रखना, बस इतना रखना है कि जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करती है, बहुत हमारे लोग, ठीक है, इतना याद रखेंगे और कुछ मत करना। अगर आप फैक्टर देखोगे कौन कौन से फैक्टर वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, तो पहले डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारा कास्ट होगा। कास्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके वोटिंग बिहेवियर को। अगर मेरी कास्ट से कोई खड़ा हुआ है आसपास में, तो मैं अपनी कास्ट को करूँ, मेरा तो ऐसा कुछ परस्पेक्टिव नहीं, लेकिन मेजोरिटी जो सोसाइटी वो यही करके, मेरा ऐसा नियम तो बहुत अलग है भाई। तो कास्ट एक मोस्ट इफेक्टिव डिटरमिनेंट है किसका, वोटिंग बिहेवियर का। जब से मैं इलेक्शन मतलब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो वहां पे इलेक्शन में काफी कुछ देखा हुआ है। अगर आप देख सकते हो इंपैक्ट मंडल कमीशन का, जहां पे वीपी सरकार ने क्या करा था, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन दिया था, ठीक है, और राइज हो रहा किसका, बीएसपी का, एसपी का, आरजेडी का, नॉर्थ इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं किसको, दलित को, ओबीसी को, पीसेंट क्लास को, तो ये क्या दिखा रहे हैं, कास्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है। जब भी उनको सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, कास्ट काफी इंपैक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है। अर्बन एरिया में थोड़ा कम होता है कास्ट का जो मतलब प्रापी जो होता है, मतलब लोग कास्ट को देखकर थोड़ा अर्बन एरिया में कम वोट करते हैं, लेकिन गाँव में तो भाई जरूर होता है, ठीक है। जो कास्ट फैक्टर है वो कौन लिए इफेक्ट करता है, पार्टी के फॉर्मेशन में भी, और कहीं ना कहीं जब पार्टी फॉर्म होती है तो कास्ट भी एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे पार्टी फॉर्म करती है, या फिर किसी को टिकट देना किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसमें भी, ठीक है। क्लास देखिए, क्लास भी का काफी एक ऐसा रीजन है, ऐसा डिटरमिनेंट है, या ऐसा फैक्टर है जो हमारे क्या करता है वोटिंग बिहेवियर को फैक्टर है।
करती है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो क्लास जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल, लैंड रिफॉर्म, इन सब की बात करते हो। अब इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन में एक वोटर स्लोगन लेके आई थी, गरीबी हटाओ। उनका अपोजिशन पार्टी लेके आई थी इंदिरा हटाओ, किसका स्ट्रॉन्ग है। अब भाई इंदिरा हटे या ना हटे हमको क्या मतलब, लेकिन आज मेरी सोसाइटी गरीबी से जूझ रही है, तो सिंपल सी बात है, और मैं तो गरीबी हटाओ के पीछे जाऊंगी ना। कि अगर कोई सरकार, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर रहा है गरीबी हटाने की, तो मैं उसको देखूंगी। इंदिरा हटे या ना हटे उससे क्या मतलब है यार हमको, है ना। तो गरीबी हटाओ को लोग काफी प्रभावित हुए, तो ये क्लास को जस्टिफाई करते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लेकर भी आई, बताओ, गवर्नमेंट ने कुछ वेलफेयर स्कीम भी लेकर आई, कुछ प्रोग्राम भी आई, लैंड रिफॉर्म्स भी लेकर आई, तो ये क्लास को दर्शाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को। तो बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बात करती है, कौन लेफ्ट पार्टीज, तो इनको सपोर्ट भी मिलता है उससे। सोशलिस्ट पार्टी जो कि, और भी कुछ अपोजिशन पार्टी है जो मोबालाइज करती है इकोनॉमिक इश्यूज को, जैसे भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल, लोकदल जिसका फाउंडर कौन, चरण सिंह, नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लिखोगे बिहार, कुछ क्लासेस उसको लेके जाते हैं रिच और मिडिल के, और इनको कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से वो मिलते हैं, क्या मिलता है, सपोर्ट, जैसे जाट युद्ध, जाट यादव कुमीज, ठीक है, तो इनसे मिलते हैं, तो इतना आप लिख सकते हो। जैसे आम आदमी पार्टी जो क्लास इश्यूज को लेकर जाती है, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वाटर बिल भी आपको बहुत कम भरना पड़ेगा, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। जेंडर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, वोटिंग बिहेवियर को, जेंडर। जहाँ पे कोई वुमेन के रोल की बात करे कि मैं देखो फ्री एजुकेशन पहुंचाएंगे किसको, वुमेन को, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके इंपॉर्टेंस की बात करे, सेक्सुअल जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वुमेन के, वुमेन की डिग्निटी की बात करें, उनके रिजर्वेशन की बात करें, कहीं ना कहीं वुमेन भी यार सोचे कि देखो हमारे लिए बात कर रही है ये लोग, तो हम इनको वोट करेंगे, पार्टी हमारे लिए बात कर रही है, हम करेंगे। जैसे नीतीश कुमार का एक एग्जाम्पल ये हुआ है कि बिहार के अंदर जो 2015 के इलेक्शन, वहाँ पे वो लेकर आए थे क्या, एंटी लिक्विड पॉलिसी, कि भाई देखो जो दारू वगैरह वो आप ऐसे पब्लिकली नहीं बिक जाएगी, अब वो काला उसमें बिके तो पता नहीं, बट ऐसे पब्लिकली अब नहीं बिकेगी। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन को काफी वेलफेयर किया, क्योंकि वुमेन के साथ ही जब एक किसी का हस्बैंड दारू पी के आता है, तो वो घर जाके अपनी बीवी को ही पीता है, ठीक है, उसी से उल्टा सीधा बोलता है, उसी से बकवास करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से प्रेशर था वो काफी खत्म हुआ, और वुमेन भी भाई अच्छी लाइफ जीने लगी, ठीक है। नीतीश कुमार लेके आई थी साइकिल योजना, जहाँ पे वो गर्ल्स को, गर्ल्स जो स्टूडेंट थी स्कूल के अंदर, वो ज्यादा ट्रैवल करती थी पैदल पेंसिल की, वहां पे उन्होंने साइकिल दिया, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा है मोदी सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या है, ये जेंडर, एक ऐसा मतलब जेंडर को लेकर हो रहा है ना कि वुमेन के लिए बढ़ावे की बात कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा इनके वोटिंग बिहेवियर को, ठीक है। तो ये सब कुछ लिख देना, ट्राइब एक ऐसा है जो अलग है थोड़ा क्लास और कास्ट से, यहाँ पे थोड़ा हम इनके लिए बात करते हैं कि इनके फॉरेस्ट को बचाना है, और ये काफी क्लोज होता है अपने नेचर से, कि अगर कोई इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है इनको, तो उनकी डिमांड करेंगे, इनके फ्रीडम की बात करेंगे, ऐसा कुछ लिख देना है। और काफी अलग अलग रीजन में आपको ये ट्राइब्स मिलेंगी, ठीक है। और कुछ इनका हमारा 5th and 6th शेड्यूल में इनको कुछ पावर भी दिया हुआ है, प्रोविजन भी दिया हुआ है, और काफी स्टेट में हमारी ट्राइब्स रहती भी है, और इनकी डिमांड को कौन लेके जाता है, पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, सिविल सोसाइटी, इनकी डिमांड की बात करके, लाइक फॉरेस्ट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इनकी कल्चर आइडेंटिटी को, इनके नेचुरल रिसोर्सेज को, मिनरल्स को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी कुछ डिमांड है, तो कौन लेके जाती है, पॉलिटिकल पार्टी डिमांड करती है कि देखो इनको सबको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर बन जाता है कि इसका वोटिंग बिहेवियर का, ठीक है। तो ये सब आप फैक्टर इसमें अंदर डाल देना, एंड देन उसके बाद आप अपना 5th chapter पर चलोगे, तो इसके अंदर आपको इंटेंसिटी याद रखना है, तो इंटेंसिटी आपको खुद को करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चलते हो 6th chapter पे, टाइम देख लेते एक बार कितना हुआ, चलो अभी टाइम है, तो 6th chapter देखते हैं, 6th chapter में से आपको कौन सा टॉपिक पिक करना है, तो ऑटोनॉमी मूवमेंट, यहाँ पे आपको ऑटोनॉमी मूवमेंट एक तो याद रखना है, अगर एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, सिंपल सी बात है, तुमको पता होना चाहिए ऑटोनॉमी मूवमेंट क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स याद रख लेना, और एग्जाम्पल में आपको मेघालय वाला याद रखना है, बोडो वाला याद रखना है, उल्फा वाला याद रखना है, तीन याद रख लेना, कौन कौन सा, मेघालय, मेघालय को हिल स्टेट मूवमेंट भी बोलते हैं, अगर आपसे हिल स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट आता है तो घबराना नहीं है कि और पढ़ानी नहीं, नहीं नहीं, मेघालय याद रखना, ठीक है। सेपरेट स्टेट बोडो वाला याद रखना है, और एक आपको उल्फा वाला याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन मूवमेंट आपको ऑटोनॉमी मूवमेंट के अंदर याद रखना है, तो करते हैं इसको भी स्टार्ट भाई। तो ऑटोनॉमी मूवमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमी यार पावर के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को चाहिए क्या, पावर, ठीक है। दो वो हमारे होते हैं ऑटोनॉमी मूवमेंट, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी के लिए, कि भाई देखो हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो हमारे ऑटोनॉमी मूवमेंट होता है। तो ऑटोनॉमी मूवमेंट होते हैं, होते जी हाँ जी होते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स ये हो सकता है कि ये फील कर रहा है डिस्क्रिमिनेटेड, की जो गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा फील नहीं कर रही है, हमको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। या तो इनकी, और इनकी डिमांड को कौन लेके जाते हैं, मिडिल क्लास,
स्टूडेंट सिविल सोसाइटीज, ठीक है, इनको लग रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आउटसाइड एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हमको इतनी पावर दो कि हम अपना रूल्स रेगुलेशन खुद ले बना सके, ठीक है, तो इसलिए हमको पावर चाहिए। इनको लगता है कि सरकार के अंदर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इतनी पावर तो हम अपनी सरकार बना ले, ठीक है, लोकल लेवल पे हमारा जो लैंग्वेज और कल्चर है उसको रिकॉग्नाइज ही किया जा रहा है, इतना पावर दो कि हम अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। और ऑटोनॉमी मूवमेंट, मतलब कुछ ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। आगे चलोगे, अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ध्यान से सुनने का। स्टेट विद इन अ स्टेट, ऑटोनॉमी मेघालय, अगर हम मेघालय के केस में देखें तो इन डिमांड करी कि देखो भाई ये डिमांड की हिल स्टेट की, मतलब असम के अंदर जो हिली वाला रीजन था ना, वहां से लोग डिमांड करते हैं कि हमको चाहिए अलग से स्टेट, अ स्टेट भी ऐसा नहीं, सिंपल स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट, ठीक है, किसके अंदर, असम से अंदर ही, ठीक है, असम के अंदर ही हमको एक स्टेट बना के दो और ये हमको चाहिए ही चाहिए, और ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए। इनकी जो डिमांड थी वो थी मेघालय की, कि हमको चाहिए मेघालय, किसने करी थी, जनता खासा गारो वालों ने करी थी, ठीक है, ये कुछ ऐसी ट्राइब है जो वहां पे लेती रहती है, ये डिमांड करते कि हमको अपना मेघालय चाहिए और ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए, ठीक है। अब जो इनकी डिमांड थी 1960s में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगी, काफी बढ़ चढ़ के होने लगे। अब सिक्स शेड्यूल के थ्रू असम इनको गवर्न कर रहा था इस रीजन को, मतलब पहले जो मेघालय था वो असम के अंदर ही आता था, और असम किसके थ्रू गवर्न कर रहा था, सिक्स शेड्यूल के थ्रू। अब सिक्स शेड्यूल के थ्रू जो ये लोग थे सेटिस्फाई नहीं थे, कि इनको लग रहा था कि जो हमारा इंटरेस्ट है हमको सेफ गार्ड नहीं कर रहा है, असम गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ अच्छा से ट्रीट नहीं कर रही है, तो हमको क्या चाहिए, अपना मेघालय चाहिए, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग अपने आप को अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, अपने अकॉर्डिंग अपना रूल करें, ठीक है। तो इनकी डिमांड को लिया जाता है 1970 के अंदर, मेघालय क्रिएट कर लिया जाता है, ठीक है, असम के अंदर ही बना लिया जाता है। आज भी आप देखोगे एक बादल के जैसा आपको दिखेगा तो वो आपका मेघालय है, मेघ से आप मेघालय याद रख सकते हो, काफी लोगों को मैप में याद नहीं होता है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है वैसे मेरे पास सिक्स स्टेट को याद करने का, बट यार मेघ जैसा जो दिखता है उसको मेघालय याद रख लेना, ठीक है। दोनों हाथ से एक एक्ट पास होता है मेघालय बिल, कब, हमारा 1969 के अंदर, और बाद में 70 के अंदर ये मेघालय बन जाता है दोनों हाथ से, फिर ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया जाता है। थ्री टायर सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिया जाता है, मेघालय एक ऑटोनॉमस स्टेट बनता है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काफी कुछ सब्जेक्ट इनको ट्रांसफर ही कर रहे हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर असम से मेघालय में डाला है, पब्लिक ऑर्डर असम, आर्म पुलिस, रेलवे पुलिस, इंडस्ट्री, सेल सेल टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ कंकरेंटली इससे जहाँ पे मेघालय और असम दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट वगैरह, क्या भाई ये सब कुछ आपको लिख देने का है। आगे चलते हैं बोडो मूवमेंट, बोडो मूवमेंट ये भी असम के अंदर था, ठीक है। अब ये प्लेन एरिया वाले हैं, वो हिली एरिया वाले थे मेघालय वाले, प्लेन वाले हैं, ठीक है, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, ये बोलते हैं कि देखो भाई हमको ऑटोनॉमी चाहिए, क्या ऑटोनॉमी चाहिए, बोलते हैं हमको अपना अलग से स्टेट चाहिए। इनका जो मूवमेंट था वो दो बार स्टार्ट होते, 1960s से लेकर 1979 से, एक चलता है 1985 के ऑनवर्ड, उसके बाद, ठीक है। अब जो इनकी डिमांड थी बोडो वालों की, ये बात कर रहे थे कि देखो भाई हमको क्या चाहिए, अपना एक नया स्टेट चाहिए उत्तरांचल, क्या चाहिए, एक नया स्टेट चाहिए उत्तरांचल, ठीक है। जैसे हमारा ये स्टैब्लिश हो गया ना नागालैंड 63 के अंदर, और तो तुमने मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबको निकाल दिया असम से, लेकिन हमको कब निकालोगे, हमको कब अपना उत्तरांचल दोगे। तो 1972 के अंदर मेघालय बन जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको अरुणाचल भी बन जाता है, मिजोरम भी बन जाता है, इनको यूपी भी बना दिया जाता है, लेकिन बोडोस की जो डिमांड थी उसको पिक नहीं कर रही थी कौन, गवर्नमेंट। अब बोडोस कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे, अब क्या होता है परेशान होके मतलब चुप हो गए थे, जो सरकार सुनी नहीं रही तो क्या ही करे, कब तक वो अपना मूवमेंट करते रहेंगे, तो वो शांत हो जाते हैं। अब दोबारा स्टार्ट होता है जब असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 के अंदर। अब असम अकॉर्ड क्या था, असम अकॉर्ड मतलब ये एक मूवमेंट चला था आसू मूवमेंट, जो एंटी फॉरनर के अगेंस्ट था, मतलब जैसे बांग्लादेशी आ रहे थे बहुत ज्यादा, माइग्रेट हो रहे थे कहाँ पे, असम के अंदर, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगा था, तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चला था। तो बोडोस ने हाईली बहुत ही बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसके अंदर, आसू मूवमेंट के अंदर। आसू मूवमेंट के बाद एक साइन होता है असम अकॉर्ड, ठीक है। अब इनको लगता है कि यार अब इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद जो हमारी कल्चर, ऑटोनॉमी है, पॉलिटिकल राइट, वो तो भाई रिकॉग्नाइज ही नहीं करी गई है, बस किसको डोमिनेंट माना है, असम को ही, असामीज को डोमिनेंट माना है। तो बोडोस बोलते हैं यार हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं हुआ है, हमको तो बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है असम अकॉर्ड को देखकर, ठीक है। लगता है यार हमने तो इतना पार्टिसिपेट करा लेकिन हमारे बारे में किसी ने बात नहीं करी। तो संजीव बुरवा जो क्या करते हैं, बुक लिखते हैं इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, कि इंडिया अपने खुद के अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पे एक चैप्टर भी है बोडोस नॉट असामीज, बोलते हैं कि हम बोडोस हैं, हम असामीज नहीं है, हमारा जो लैंग्वेज
वो दो, हमारा ड्रेस अलग है, हमारा फूड अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो तुम क्यों हमको आसामी से भूल रहे हो भाई? हम आसामी से अलग है, ठीक है? तो एक जो थर्ड बोधो अकॉर्ड साइन होता है कब, 2020 के अंदर, जनवरी के अंदर, जहाँ पे कौन पहुंचती है, हमारी यूनियन है, मिनिस्टर पहुंचती है किसके अंदर, बोधो ग्रुप के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट ये सभी मिलकर एक अकॉर्ड साइन करते हैं जहाँ पे इनकी जो डिमांड थी या फिर जो भी ये बात कर रहे थे उन सबको लिया जाता है। देन इसके बाद इनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है, और हमेशा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके ऊपर पैसा लगाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट पर एनम इनको कितना 250 करोड़ लगाती है इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? सेम ऐसे सेंट्रल कंट्रीब्यूट करती है, सेम इक्वल अमाउंट इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो ये बोधोस का मूवमेंट है। आगे चलते हैं उल्फा। उल्फा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अलग ही अपना सॉवरेन स्टेट, कि भाई अपना अलग ही ऐसा स्टेट चाहिए कि अपना खुद ही पावर होना चाहिए, ठीक है? ये एग्जिस्ट कर रहा था कब, अहोम किंगडम के अंदर, मतलब पहले एक अहोम किंगडम था, ठीक है? अहोम किंगडम था ब्रिटिश से पहले। अब जब ब्रिटिश आ जाते तो कहीं ना कहीं जो इनकी सॉवरेनिटी है, मतलब हमारा किंगडम, हमारा राज्य, वो क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उल्फा क्या चाहते थे, उल्फा चाहते थे कि देखो हमको अपना एक सॉवरेन स्टेट चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी बनती है, ठीक है? अब कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे आती है असम के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं क्या करने लगे थे, उल्फा वॉयलेंस करने लगी थी, किडनैप करने लगी थी, और अपने आप ही अपनी सरकार बना के बैठ गई थी। बोल रही थी कि देखो भाई हमने अपनी सरकार बना ली, अब से हमारी सरकार होगी, ठीक है? मतलब ऐसे है ना, होता है कि खुद अपना लोग अपना खुद ही स्टार्ट कर देते, तब मन मन में भटकी भटकी बातें, तो ऐसे ही हो गया। तो लोगों ने क्या करा है, खुद ही अपना बना लिया, पहले सरकार बना ली कि हम, और टैक्स वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं किडनैपिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। बोल रहे थे कि तो आसाम की सरकार है ना कांग्रेस पार्टी, ये तुम्हारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लेके जा रही है, और इस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही है दूसरी रीजन को डेवलप करने में, ठीक है? क्या कर रही है, दूसरे रीजन को डेवलप कर रही है, ये तुम्हारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रही है। बोलते तुम्हारे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है भाई, दूसरे स्टेट को डेवलप किया जा रहा है, तो लोगों को भड़काया जा रहा था। तो हितवेश्वर की जो सरकार थी वो क्या करती है, वो भाई सरेंडर करती है, ठीक है? इनके अगेंस्ट क्या लेके आती है, एक सरेंडर करती है इनको सुल्फा के थ्रू, ठीक है? ऑपरेशन चलता है सुल्फा, मतलब सरेंडर किया किसको, उल्फा को, तो बन गया सुल्फा, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने काफी ऑपरेशन भी चलाया, जैसे बजरंग ऑपरेशन, बजरंग ऑपरेशन रही, ठीक है? आगे चलते हैं कार्बी सिमस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कार्बी जो दिमसा वाले हैं, इनका डिमांड था ऑटोनॉमी का, लेकिन आज भी इनका जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया गया इनको, मतलब गवर्नमेंट ने क्या दिया, ऑटोनॉमी दे दिया। अगर आप देखोगे सिक्स शेड्यूल के अंदर, ये अलग से एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है? आसाम के अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर आते हैं, हमारा ATMM स्टेट के अंदर आसाम आपने पढ़ा होगा, तो वहीं पे हमारा अलग से इनको ऑटोनॉमी दे के रखी है इन डिस्ट्रिक्ट को, इनको अलग से स्टेट नहीं बनाया है, ठीक है? तो इतना आपको इसमें याद रखना है, वरना मेघालय वाला और बोधो वाला और उल्फा वाला तो जरूर याद कर लेना, ठीक है? आगे हम चलते हैं कौन से पे, यूनिट 7 पे, ठीक है? तो यूनिट 7 आपका क्या है, यूनिट 7 है आपका इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या होता है, तो इंसर्जेंसी क्या होता है ये आपको पढ़ना है। जीनस ऑफ इंसर्जेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेना यार, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो राइज हुई है, जीनस हुआ उसका। और जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी, नागा की इंसर्जेंसी, मणिपुर की इंसर्जेंसी, मिजोरम की इंसर्जेंसी, पंजाब की इंसर्जेंसी, थोड़ा दिमाग में याद रख लेना, ठीक है? तो ये इंसर्जेंसी सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता रहता है कभी किसी से कभी किसी से। तो जम्मू कश्मीर, नागा, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की जरूर याद रखना, पंजाब की जरूर याद रखना, नागा की इंसर्जेंसी याद रखना, ठीक है? तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम, इंसर्जेंसी क्या होता है, कब से बोली जा रही हूँ मैं, कंटिन्यू यार थक गया है मेरा गला। इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस होता है, किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, मतलब तुम्हारी कोई गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट तुम क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं। इनका एम होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रोन कर रहे हैं, उसको हटाने का है, और जो इंसर्जेंसी करते हैं उनको इंसर्जेंट बोलते हैं। एसके छोबे ने क्या बोला है कि रेबेलियन होता है किसके अगेंस्ट, अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है? मतलब ये क्या चाहते हैं, जो ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, जो सरकार प्रिवेल कर रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, इंसर्जेंसी करते, रेजिस्टेंट करते, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज चाहते हैं, ठीक है? इंडियन आर्मी डॉक्ट्राइन ने क्या बोला, ये बोलते हैं कि देखो भाई इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइज आर्म स्ट्रगल होता है, जो कि लोकल पीपल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किसके अगेंस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, इनको जो सपोर्ट मिलता है बाहर से मिलता है, ठीक है? तो इतना याद रखना है, वायलेंट एक्टिविटीज होती है इसके अंदर, और टेररिज्म और इंसर्जेंसी में कुछ सिमिलर ये है कि दोनों में जो वायलेंस होता है, लेकिन जो इंसर्जेंसी होती है वो गवर्नमेंट को चेंज करना चाहती है, जो वहाँ पे अथॉरिटी उसको चेंज करना चाहती है, लेकिन टेररिज्म भाई लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना चाहते हैं, डर बना देना चाहते हैं, ठीक है?
ये बस इतना याद रखना है यार। जीनस देखे तो जीनस काफी अलग अलग इंसर्जेंसी हमको दिखती है, डिफरेंट रीजन है, कुछ बनाए गए हैं, कुछ इमेजिन है, कुछ रियल है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर हम फैक्टर नहीं बता सकते कि इससे हमारा इंसर्जेंसी राइज हुआ है। तो सभी का अपना खुद का इंसर्जेंसी जो होता है, उनका लीडर्स होते हैं, उनका पॉपुलर सपोर्ट मिलता है, आइडियोलॉजी उनका अलग ही गोल होता है। कुछ डिमांड करते हैं अपना सेपरेट स्टेट का, कुछ ऑटोनॉमी वर्कर बात करते हैं, कुछ अपना अलग से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो सबका अपना अलग अलग रीजन होता है। तो इंसर्जेंसी को जो जीनस है वो अलग अलग रीजन से हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखने का। अब हम जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी पे चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है वो एमर्ज हुई थी कब, लेट 80s के टाइम पे। कब हुई थी, लेट 80s के टाइम पे एमर्ज हुई है। यहाँ पे हमारे 1974 के अंदर शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करने के लिए पहुंचते हैं इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है। इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, कश्मीर अकॉर्ड। यहाँ पे इस अकॉर्ड में बोला जाता है, शेख अब्दुल्ला जी हम आपको जेल से रिहा कर देंगे एक कीमत पर, ठीक है, और तुमको दोबारा से सीएम भी बना देंगे कश्मीर का, लेकिन 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 तुम्हारी एक डिमांड को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो तुम डिमांड करो सेल्फ डिटरमिनेशन की, वो डिमांड ड्रॉप कर दो, ठीक है। बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जेल में कौन जेल की रोटी खाएगा, कौन जेल का पानी पिएगा, इससे अच्छा सीएम बनेंगे, एक डिमांड ही तो करनी है, ठीक है। वो मान जाते हैं, ठीक है, जो इनकी डिमांड की वो ड्रॉप कर ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनकी डिमांड को ड्रॉप कर लिया जाता है, ड्रॉप कर लेते हैं डिमांड को, तो ये ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक नफरत फैला देता है, ठीक है। अब अकॉर्ड सही होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद एक और सरकार बनती है फारूक अब्दुल्ला की। अब इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर दे, क्योंकि इनकी डिमांड भी क्या थी, सेल्फ डिटरमिनेशन की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है, हटा देती है। अब इलेक्शन होते हैं 1987 के, ठीक है, जहां पे आम रिपेलियन होता है, किसके अगेंस्ट, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। काफी ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप आते हैं किसके अंदर, कश्मीर के अंदर। एक आता है कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेटेरियन ग्रुप, जो कि गोरिल्ला वॉर रिवोल्ट अगेंस्ट, गोरिल्ला वॉर गोरिल्ला जो रिवोल्ट है वो किसके अगेंस्ट लॉन्च करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जो कश्मीर को अलग से एक स्टेट सरकार अलग से एक देश बनाना चाहता था। दूसरा जो ग्रुप था वो था हिजबुल्ला मुजाहिदीन, जो भी है मुजाहिदीन, ठीक है, ये प्रो इस्लामिक थे, मतलब ये इनका था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, इतना याद रखने का, देन उसके बाद अब ये क्यों हो रहा था। अब जो इलेक्शन हुए थे 1987 के, वो बड़े मैनिपुलेटेड थे, मतलब लोगों को लग रहा था कि यार जिसको हम वोट कर रहे हैं वही जीतेगा, लेकिन इसके अंदर होता है लोगों के साथ स्कैम, ठीक है, जिसको उन्होंने वोट किया वो नहीं जीतता है। तो लोगों को बड़ा भड़का, लोगों का फेथ उड़ जाता है यार, बोलते हैं यार क्या इलेक्शन हुआ है, लोगों के अंदर डिसकंटेंट एक्सप्रेस करने लगता है कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, जिसको वोट करा वो जीता क्यों नहीं है, तो ये मैनिपुलेटेशन क्यों हुआ है। तो लोगों के अंदर भड़का स्टार्ट हो जाती है। अब दो आइडियोलॉजी हमारी यहाँ पे आती है, एक तो पाकिस्तान वाली, एक मॉडरेट वाली। पाकिस्तान वाली बोलती है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, मतलब इंडिया से निकल के पाकिस्तान के साथ कश्मीर को ले लेना है। मॉडरेट वाले बोलते हैं कि हमको अपना अलग से कश्मीर चाहिए, ना हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते ना हम पाकिस्तान के साथ, ठीक है, इतना याद रखना है। और जो ये हमारा पाकिस्तान वाला, इसको पाकिस्तान कंट्रोल भी करना चाहता है कि कश्मीर के ऊपर मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल कर ले, इस्लामिक ग्रुप से इसको सपोर्ट मिलता है। 1990s में लार्ज स्केल सुसाइड बॉम्बिंग होती कहाँ पे, कश्मीर के अंदर, इंसर्जेंसी जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, जो इंसर्जेंसी थी ये चली जा रही थी, वायलेंस चला ही जा रहा था कब से, 2003 तक, मतलब 1990s में इंसर्जेंट वॉल्यूम स्टार्ट होता है, 2003 तक कंटिन्यू रहता है। फिर बाद में एक एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन परमानेंट कभी नहीं हुआ। 2008 के अंदर फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अब इतना नहीं था जब सुसाइड बॉम्बिंग हो रही थी, मास प्रोटेस्ट दिखता है, थोड़ा सा कम था, मतलब पहले से इतना नहीं था जितना वॉल्यूम पहले हुआ था 1980s 1990s में। ये बोल सकते हैं कश्मीर आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको लेकर, कश्मीर को लेकर, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी हमने परमानेंट पीस तो इसके अंदर नहीं देखा है, ठीक है, आज भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी नागा इंसर्जेंसी। नागा सबसे पुरानी इंसर्जेंसी, इसको मम्मी बोला जाता है सभी इंसर्जेंसी का। अब क्या होता है, 1980 के अंदर नागा अपने एक ग्रुप बनाते हैं, नागा क्लब। अब जो नागा क्लब था डिमांड करता है सॉवरेनिटी की, ठीक है, कब, ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। तो एक एक अब ये इन्होंने क्लब बनाया, क्लब के बाद ये अपनी काउंसिल बनाते हैं, नागा काउंसिल। कौन होते हैं इसके लीडर, ज़िप्पो पिन्सो, ठीक है। ये क्या चाहते थे, नागालैंड को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। अब ये अपनी डिमांड करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की, ब्रिटिश से, कि देखो भाई हमको अपनी एक सरकार चाहिए अपनी लोकल लेवल पर, ठीक है। इनकी इस बात को मान भी लिया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, 9 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसको अकबर हयात्री अकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अकबर हयात्री असम के गवर्नर थे, और यहाँ पे जो मतलब ये थे, कौन थे, नागा, इनके बीच में ये स्टार्ट होता है कि अकॉर्ड साइन कर लिया, इनको अपनी इतना परमिशन मिल जाता है कि अपनी इंटरिम गवर्नमेंट सरकार बना सकते हैं। अब नागा कहीं ना कहीं अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी उनको करना है कस्टमरी लॉज वगैरह, उनके अकॉर्डिंग वो रूल्स कर सकते थे, अपना लॉ वगैरह बना सकते हैं।
अगस्त को नागा क्लेम कर देता है कि हम भाई इंडिपेंडेंट है, अलग अपना एक देश बन चुके हैं। भारत के आजाद होने से एक दिन पहले भारत आजाद होता है तो नागा को असम के अंदर चोट लेता है। यह चीज झिली नहीं जाती किसे, पिंजो से। पिंजो क्या करता है, आम स्ट्रगल अगेंस्ट करता है किसकी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जहां पे वो डिमांड करता है किसकी, नागा को एक अलग देश बनाने की। अब क्या होता है, शिलोंग अकॉर्ड साइन किया जाता है 1975 में, ठीक है, एनएनसी जो हमारा नागा नेशनल काउंसिल था और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। यह अकॉर्ड परमानेंट पीस तो नहीं लेके आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिमांड थी उसको थोड़ा सा रुका दिया जाता है कि अब इतना डिमांड नहीं है, ठीक है। 3 अगस्त 2015 के अंदर फिर से जाती है नागा ग्रुप के जो भी इशूज है उनको एड्रेस करके कौन गवर्नमेंट, किसके थ्रू, नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के थ्रू। आगे चलोगे मणिपुर की इंसर्जेंसी, तो मणिपुर की इंसर्जेंसी क्या है, मणिपुर के जो राजा थे, महाराजा था जो, उसके साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया जाता है जब भारत आजाद होता है कि भाई देखो तुम्हारा जो प्रिंसली स्टेट है ना, तो प्रिंसली स्टेट के साथ मतलब हमारे यहाँ पे दो स्टेट थी, प्रोविंशियल एंड प्रिंसली। तो ब्रिटिश ने बोला था कि जो प्रिंसली स्टेट है इनके ऊपर चॉइस है, या तो अपना देश बना ले या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ। तो हमने बोला कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ मणिपुर को अपने साथ ले लेते हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है शिलोंग के अंदर यूनियन स्टेट इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और यहाँ के राजा के बीच में। अब ये लोगों से सहा नहीं जाता कि भाई हमारे परमिशन के बिना राजा कैसे इंडिया के साथ मिल गया, ठीक है। एक कम्युनिस्ट लीडर थे कौन, हमारे इजाम इलाबुच जो थे, ठीक है, हमारे तो नहीं मतलब जहाँ के भी थे, इजाम इलाबुच मिजोरम मणिपुर के। तो ये बोलते थे कि देखो भाई मणिपुर को एक अलग से इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट बनाना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो इसका गोल था वो तो अचीव नहीं होता है, लेकिन जो इसका मतलब जो वो था ना, सीट थे, जो बीज थे, वो उसने नेशनलिज्म के डाल दिए थे किसके अंदर, मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना है कि ये अचीव तो नहीं किया था, मणिपुर आज भी हमारा पार्ट है और काफी काउंटर इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ एक्ट भी लेकर आई है और कुछ ऑपरेशन भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे। मिजो इंसर्जेंसी ये 1960s में स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है, जिसको हम मिजो नेशनल फेमिनिन फ्रंट भी बोलते हैं। ये किसके अंडर थी, लाल धींगा के। इनको लग रहा था कि जो असम की गवर्नमेंट है हमारे साथ अच्छा भाई ट्रीट नहीं कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे मिजो, ठीक है, किससे, यूनियन गवर्नमेंट से, असम की गवर्नमेंट से। ये मिजो लुजाई हिल के पार्ट में आता था, कब असम गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी। मिजो पहले किसी का पार्ट था, असम का था, मिजोरम, ठीक है, ये डिमांड कर रहा था अलग से स्टेट चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहे थे कि देखो यार इतना ज्यादा, इतनी बेकार कंडीशन आई हुई है, फैमाइन आई हुई है, और जो असम की सरकार है वो सौतेली माँ की तरह हमारे साथ ऐसा रोल प्ले कर रही है, ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है। जो असामी लैंग्वेज है उसी को तुमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, हमारी लैंग्वेज कहाँ हुई, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर तो इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो मिजो नेशनल फ्रंट था वो क्या करता है, वो लॉन्च करता है इंसर्जेंसी, डिमांड करता है हमको अपनी अलग से स्टेट चाहिए मुझे, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन होता है कोलकाता में क्यों, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है, जो मिजो नेशनल फ्रंट है इसके बीच में, इनकी डिमांड को ले लिया जाता है, बाद में इसको मिजोरम बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी इंसर्जेंसी थी जो एक पैन के साइन होने पर, मतलब एक साइन होने पर, डायरी पे साइन करने से ही बिल्कुल पीस आ जाता है, ठीक है। पूरा ऐसा वर्ल्ड में एक ऐसी इंसर्जेंसी है कि तुमने एक साइन करा और भाई इंसर्जेंसी खत्म, ठीक है। तो इतना याद रखने का। पंजाब की इंसर्जेंसी जहाँ पे डिमांड करते खालिस्तान की कि भाई खालिस्तान चाहिए, इसको लीक करते बंद्रे वाले, तो काफी वायलेंट मूवमेंट हुआ है, 1000 लोगों की जान गई है। तो अरेस्ट कर लिया जाता है बंद्रे वाले को, कब, हमारा 1983 के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने स्टार्ट करा है, जहाँ पे मिलिट्री एक्शन के थ्रू उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमारे 200-250 खालिस्तानी थी उनकी डेथ हुई है और बंद्रे वाले की डेथ हुई है, ठीक है। और देन उसके बाद जब भी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सिख के अंदर एक मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर बड़ा ही खंदूसी से आ जाती है, यार ऐसा सरकार कैसे कर सकती थी, लोगों की जान चली गई, ठीक है, नफरत सी फैल जाती है। तो ऑपरेशन ब्लू थंडर, फिर 1991 के अंदर केपीजी गिल की सरकार स्टार्ट करती है। तो जो पंजाब इंसर्जेंसी है वो हमारी क्या है, मतलब डिमांड करते हैं अलग से अपना खालिस्तान जाने के। इसके पीछे रीजन बताते हैं कि सोशल कल्चर इकोनॉमिक जो रीजन है वो ये है कि जो पंजाब है तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आ गए, तो हमारा जो कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। हमारा कल्चर पंजाबी कल्चर ये नहीं कहता, हमारा पंजाबी कल्चर है ना वो इरोड हो चुका है। तो बोलते हैं हमको अपना अलग से स्टेट चाहिए, अलग सरकार, अलग से देश चाहिए, जहाँ पे हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, अपने जो इकोनॉमिक जो सोशल है वो सभी अपना बना के रखेंगे, अपना कल्चर और अपना खुद का बना के रखेंगे, सब ये डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका डिमांड है। माउस के देख लेना है, माउस को खुद से पढ़ लेना, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, बस इतना ही, ठीक है। तो ये सब इंसर्जेंसी आपको पढ़ के जानी है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ पाया होगा, कंटिन्यूस बहुत देर से बोले जा रही हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया इतना पढ़ लेना है। तो ये 7 इंसर्जेंसी मैंने कवर कर 7 यूनिट मैंने कवर कराया है, तो इन 7 यूनिट को अच्छे से पढ़ना है।
इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, इन्हीं में से पेपर आएगा, जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है 7 यूनिट के अंदर, तो इनको बार बार पढ़ लेना। और ये जो PPT है यूनिट की, आपको ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।